सुपेला के एक निजी होटल में कॉमर्स के छात्रों के लिए कॉमर्स के गुरु डॉक्टर संतोष राय के द्वारा कुछ कर गुजरने के लिए कैरियर परामर्श एवं प्रेरक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को इस सेमिनार के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि आप मंजिल को किस तरह हासिल करोगे, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त पर्सनैलिटी अपने अपने विचार रखे। सफलता किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं, न ही किसी अमीरों की हाथ की कठपुतली है। जी हाँ, कैरियर के प्रति बच्चों में उत्साह भरता हुआ ये कथन कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय का है। कैरियर काउंसलिंग व मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन भिलाई के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का आसान रास्ता दिखाने इस सेमिनार में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। बच्चों को उचित टिप्स एक्सपर्ट्स ने जहां दिए, वहीं उनमें उत्साह का संचार किया। सुने तो है ना? कितने लोगों ने शेयर मार्केट को सुना है, वी के माध्यम से देखा है, न्यूज में पढ़ा है, या किसी ने बोला तुमने और शेयर मार्केट में खूब पैसा कमाया है, वो तो डूब गया, खत्म हो गया। कितने लोग हैं तोड़वाना शुरू कर दिया, ठीक है, आसान आते आते घर को खूबसूरत बना दिया, फिर बहुत सुंदर घर बना दिया, उसमें भी शांति थी। इसके बाद घर टूटा है, घर बन रहा है, उसी बीच में कार खरीद लाए, तो मतलब क्या? बहुत ही अच्छे मेमोरी गुरु हैं और एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें सुनोगे। तो हमारे इतने सारी मेहनत करने से, इतना सारा बोलने से, अगर आप में से किसी एक के भी दिमाग में कुछ फर्क पड़ता है, लाइफ चेंज होती है और आप अच्छा यहाँ से लेके जाते हो, तो आप वो एक मछली हो, आपकी वो लाइफ सवर जाएगी। सफलता किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं, न ही अमीरों के हाथ की कठपुतली है। सफलता कठिन परिश्रम का परिणाम है और इसी विषय पे आज सेमिनार है कि बच्चों को ये बताया जा सके कि तुम कहीं न समझो कि किसी से कम है। अगर तुम्हारे अंदर जब तक ये भाव रहेगा कि तुम किसी से कम हो, तो निश्चित तौर से कम रहोगे। आज करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट शामिल हुए। नहीं, निश्चित तौर से उन बच्चों को इन्वॉल्व किया गया गेम के थ्रू, इसके अलावा स्पीच, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर के बच्चों को मोटिवेट किया गया कि तुम अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करके सफलता की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ। निश्चित तौर से सफलता को पालोगे और सफलता पाने के बाद अगली सीढ़ी तक भी तुम जा सकते हो। इसमें प्रेरणा सुराना जी, डॉक्टर पूर्वा रोजिंदर जी, सतीश झाम जी और इंजीनियरिंग IIT किया हुआ एक बंदा शाश्वत और ज्ञान प्रकाश साहू, ये शामिल हुए और इन्होंने अपनी बातों से, अपने उद्बोधन से बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। बाहर से भी बच्चे आए हुए हैं, साथ में इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, कुछ ग्रामीण बस्ती के भी बच्चे आए हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषता है कि न केवल हम अपने लिए बल्कि बाहर के बच्चों के लिए भी यह सेमिनार निःशुल्क रखें। हाय, आई एम ज्ञान प्रकाश, आई एम अ नेशनल माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर एंड बेसिकली आई एम अ स्टॉक एनालिसिस एंड स्टॉक में कैसे बेहतर तरीके से हम चार्ट एनालिसिस करें और लॉन्ग टर्म तरीके से हम कैसे इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड मैं इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस मेंटर करता हूँ। देखिए, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सिर्फ CA CMA कॉमर्स की एजुकेशन तो टॉप क्लास की होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनकी, जो साल भर में मेरे साथ मेरे ख्याल से लगभग 4 से 5 ऐसे इवेंट्स इनके यहाँ होती हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी में फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल सारी चीज़ों की बेहतर तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के साथ साथ। मुझे लगता है आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। और मैं अभी रिसेंटली IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ, आज मुझे यहाँ पे एक एज अ गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया गया। मुझे तो काफ़ी एनलाइटनिंग लगा, काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोग्राम, और मैंने कुछ टॉक्स अटेंड किए जिससे मुझे खुद को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और फिर जो मेरा खुद का इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स के साथ वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनसे काफ़ी सर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की थी उनके साथ वो रिलेट हो रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सर को मैं पर्सनली तो नहीं जानता अच्छे से, बट मैं उनको जितना जानता हूँ मुझे बस एडमिरेशन ही है मेरे पास उनके लिए, बहुत काफ़ी इंस्पायर करते हो मुझे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। इस तरह के आयोजन निश्चित ही बच्चों में उत्साह का संचार जहाँ करते हैं, वहीं उन्हें लक्ष्य तक आसानी से पहुँचने कारगर भी साबित होते हैं। बहरहाल, इस आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।